जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मनाया जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विकास भवन के सभागार में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह, अधिवक्ता अमिता शर्मा सहित अन्य सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को विभिन्न कानूनी गतिविधियों व केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। आमजन को हैंडबिल व पंपलेट्स बांटकर निशुल्क सेवा व सहायता की उपलब्धता तथा विधि के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा, भाई संसद जी, हमारे जेल मिनिस्टर और भाई हमारे अधिकारियों का जो लोग आए हैं उनका एक बार तालियों से हम स्वागत करें। यहाँ के नाम से मैं सब लोग अवगत है, लगे हुए गोरखपुर भारत के साथ श्री देवेंद्र कुमार नितिन सर कि हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब हमारा देश 75 साल पूरा करेगा अपनी आज़ादी का, उसी के सिलसिले में यह नालसा द्वारा निर्देशित कार्यक्रम जन जागरूकता का चलाया जा रहा विधि साक्षरता कार्यक्रम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष क्षेत्र न्यायाधीश करते हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं और सचिव साहब। नवंबर तक अनवरत चल रहा है गांव-गांव की जो न्याय व्यवस्था है वो समाज की अंतिम कड़ी तक कैसे पहुंच रहा है, इसी क्रम में जानकारी देने के लिए हमारे सचिव साहब इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन में माननीय आरंभ किया गया। अभी 9 तारीख को हमारे सचिव सदी भाई बहन ज्यादा समय ना लेके मैं शुरू करती हूँ। सारे कानून बने पर सबसे पहले जो दिक्कत होती थी महिलाओं को वो भरण पोषण की होती थी, जो उसका पति घर से बाहर कर देता था या ससुराल वाले घर से निकाल देते थे, पति भी निकाल देता था। क्या 125 का दावा भरण पोषण के लिए दाखिल किया जाता और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसी मजिस्ट्रेट के यहाँ स्थिति ये थी कि फौजदारी मुकदमे भी देखे जाते थे और ये भरण पोषण का भी बहुत समय लग जाता था उसको भरण पोषण मिलने। तो सरकार को लगा कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे डायवोर्स का मुकदमा है, विदाई का मुकदमा है, चाहे पति द्वारा दाखिल हो चाहे पत्नी द्वारा दाखिल हो, ये सारे के सारे मुकदमे सिविल जज के यहाँ दाखिल होते थे। वहाँ भी क्योंकि सिविल जज के यहाँ सिविल मैटर के बहुत सारे मुकदमे हुआ करते थे और इक्का दुक्का इस प्रकार के मुकदमे होते थे जिनका नंबर इनका समय बहुत ज़्यादा लंबित हो जाता था और इनको न्याय नहीं मिल पाता था। तो देखते हुए जो सरकार ने कहा उसने कहा एक महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए, कहने का मतलब है कि पारिवारिक रिश्तों से संबंधित पति पत्नी के लिए एक परिवार न्यायालय की व्यवस्था रखी। परिवार न्यायालय में व्यवस्था की गई कि भरण पोषण का मुकदमा हो, चाहे विदाई का मुकदमा हो, चाहे डाइवोर्स का मुकदमा हो, चाहे बच्चे की वापसी के लिए गार्जियनशिप का मुकदमा हो। कभी कभी तो ये होता है कि 125 का मुकदमा दाखिल हो गया, मुकदमे में निर्णय होने में बहुत वक्त लगता है, या विदाई का मुकदमा दाखिल हो गया उसका भी निर्णय बाद में होगा, पत्नी करेगी क्या, मतलब विदाई का मुकदमा दाखिल हो गया या डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल हो गया, पर बीच के दौरान महिला के लिए उसके बच्चों के लिए भरण पोषण की आवश्यकता है, लड़ते समय उसके भोजन की व्यवस्था हो सके, कपड़ों की व्यवस्था हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था की गई और न्यायालय उसको पहले उसको डिस्पोजल करेगा और उसको न्याय देगा। असल विकास भवन में जन सुनवाई की गई थी, आज जन सुनवाई जो की गई वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक नालसा के द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 12 नवंबर 2021 को राज्य महिला आयोग के सहयोग से
तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी व प्रशासन की ओर से वो कार्ड दे रहे कहेंगे के साथ ही प्रशासन की ओर से मुख्य विकास अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह और रिसोर्स पर्सन नाम के अधिवक्ता पराविधिक स्वयंसेवकगण आंगनवाड़ी व आम जन व आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके विभिन्न कानूनी गतिविधियों से अवगत कराया गया और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया तथा अतिरिक्त महिला अधिकारों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। हैंडबिल व पंपलेट को बांट कर भी सहायता की उपलब्धता और विधि के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं की जन समस्याओं को भी सुना गया और इसके अतिरिक्त उन समस्याओं के निस्तारण किया गया।